संगठन मंत्री के नाते संगठन के कार्यों से आना जाना होता था, बाद में मंत्री और विधायक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला, क्योंकि हरिद्वार जनपद एक ऐसा जिला है जो कृषि बहुल है और मुख्यमंत्री के नाते तमाम अवसरों पर मुझे यहाँ के गांव में जाकर के और लोगों से मिलने का मौका मिला। बैंकों का लेन देन है बड़ा इजीली आजकल हम लोग कर रहे हैं, ये सब डिजिटल इंडिया का सवाल है कि हम डिजिटली वोट भी कर सकते, वोट भी कर सके, अब हम उसकी भी कल्पना कर सकते हैं। इस बार इस लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा डिजिटली नॉमिनेशन करने का एक अवसर दिया, ये अभी सभी लोकसभाओं में ऐसा नहीं है, उत्तराखंड की दो लोकसभाओं में ये अवसर दिया गया और हमने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम डिजिटली नॉमिनेशन करेंगे और इसकी शुरुआत पावन पवित्र नगरी हरिद्वार से हुआ है। डिजिटली नॉमिनेशन आप सब समझ सकते हैं कि बहुत सरल भी है, बहुत ये कहें कि जीरो बजट का काम है, किसी तरह की कोई किसी को परेशानी नहीं है, रास्ता जाम नहीं है, कोई बीमार लोग हैं, किसी को अपने ऑफिस पर टाइम पर पहुंचना है, किसी काम के लिए अपने गंतव्य पर पहुंचना है, तो बगैर किसी रोकटोक के बगैर बाधा के ये डिजिटली नॉमिनेशन किया जा सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब देश का अमृत काल चल रहा है उस अमृत काल में मौका दिया, तो सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश में टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया, टेक्नोक्रेट्स को आगे बढ़ाया, मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, आज नॉमिनेशन के बाद आपसे तुरंत ही ये बातचीत हो रही है, शायद अगर हम फिजिकली ये करते तो कई घंटे आप लोगों को भी वेट करना पड़ता, तो समय की बहुत बड़ी बचत हम डिजिटली सब करके कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आज हम बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, बैंकों का लेन देन है, बड़ा इजीली आजकल हम लोग कर रहे हैं, ये सब डिजिटल इंडिया का सवाल है और इसी में आगे चल करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका इस्तेमाल होगा, हम तो अब आगे का सपना ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में वो भी मौका मिलेगा हम लोगों को कि हम डिजिटली वोट भी कर सकते, वोट भी कर सके, अब हम उसकी भी कल्पना कर सकते हैं। आज हरिद्वार लोकसभा को लेकर के मुझे आपसे कहना है कि मैं हरिद्वार जनपद हूँ, मैं पूरी तरह पूर्व से परिचित हूँ, राज्य में संगठन मंत्री के नाते संगठन के कार्यों से आना जाना होता था, बाद में मंत्री और विधायक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला, क्योंकि हरिद्वार जनपद एक ऐसा जिला है जो कृषि बहुल है और मुख्यमंत्री के नाते तमाम अवसरों पर मुझे यहाँ के गांव में जाकर के और लोगों से मिलने का मौका मिला। मेरा आशय ये है कि मैं यहाँ की जो भी परिस्थितियाँ हैं उनसे अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। एक जब मैं मुख्यमंत्री था तो 2017 की बात है, इसी हरिद्वार जनपद से हमने इंटरेस्ट फ्री लोन अपने किसान भाइयों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की घोषणा की थी, रुड़की के एक मैदान में वो सभा थी और मैंने किसान भाइयों से कहा था उसी समय कि अगर आपने अच्छा किया, उस समय 1 लाख तक के ऋण की घोषणा करी थी, अगर मैंने कहा आपने अच्छे परिणाम दिए तो हम इसकी सीमा बढ़ाएंगे, और मुझे खुशी होती इस बात की कि हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने उस ऋण का बहुत ही अच्छा उपयोग किया,
कई किसानों पे जो वर्षों से ऋण था उन्होंने उससे इनकम जनरेट करके और उस ऋण से मुक्ति पाई। फिर हमने तो 2 लाख किया जो किसानों से जो वायदा किया था, फिर 2 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन ये हमने किसानों को दिया। फिर हमने जो समूह है, अगर कोई समूह में कोई काम करना चाहता है, हमारे महिला समूह है बड़ी संख्या में लगभग 40,000 के करीब, हमने उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण ये इंटरेस्ट फ्री आज भी हम दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। मेरा आशय ये है कि हरिद्वार से हमने इसकी शुरुआत की थी और आज हरिद्वार से मैं सांसद के प्रत्याशी के रूप में आपके मध्य में हूँ। अब बात आती के साथ आपने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया, हवाई रूप से आपके मन में सवाल होगा। तो मुझे लग रहा है कि 10-15 तो पुल बनाए होंगे यहाँ पर सुलभ कनेक्टिविटी की दृष्टि से। एक रिंग रोड 1700 करोड़ से ज्यादा की है, ये जो जिस तरह काम चालू हो गया है इसमें बहुत लंबा, मुझे लगता है कि लगभग 3 किलोमीटर का शायद ये स्पैन का ये पुल है। और जो हरिद्वार को बाईपास करके जिनको नजीबाबाद मुरादाबाद की तरफ जाना है उनको हरिद्वार सिटी के अंदर नहीं आना होगा। दूसरा एक रेलवे की कनेक्टिविटी जो मुजफ्फरनगर से और सीधा रुड़की देवबंद होते हुए रुड़की ये रेल लाइन का काम ये आप सब जानते हैं कि वो भी प्रारंभ हो गया है। उसमें उत्तर प्रदेश के 3-4 गांव हैं, बाकी सभी उत्तराखंड के हैं। यूपी में जब तक पहले वाली जो सरकार थी माननीय योगी जी ने उस काम को बहुत सहयोग किया और आज उस पर भी काम हो गया है। अब दिल्ली से आने वाले समय में हम रेल से 3 घंटे में आराम से हरिद्वार पहुंच जाएंगे। जो कुंभ के समय आप सबने देखा है, कुंभ के समय किस ढंग से विकास किया गया, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज ये हमने दिया, यहाँ पर 2 डिग्री कॉलेज एक हरिद्वार में और एक हरिद्वार ग्रामीण में, 2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ये मैंने अपने समय में यहाँ पर दिए। सड़कों की तो आप सब जानते हैं कि सड़कों में किस तरह की प्रगति हुई है। और एक सबसे बड़ी योजना जिसको मैं मानता हूँ वो है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जिसमें हर परिवार 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य सुरक्षा कवच से आच्छादित है, यानी कि हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना। हम आज हमारी सरकार 5 लाख रुपया सालाना उनको स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच दे रही है और अभी तक इसमें लगभग 20 अरब रुपया अभी तक इसका लगभग 20 अरब रुपया सरकार का खर्चा हुआ है। इसी लोकसभा के अंदर सीपेट संस्थान जिसमें रोजगार की 100 नहीं 200% गारंटी है, एक भी बच्चा वहां से पढ़कर आज बेरोजगार नहीं है, वो डोईवाला में खोला गया। इसके साथ ही डोईवाला हरावाला में इसी लोकसभा के अंतर्गत जच्चा बच्चा कैंसर का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत जल्दी उसमें चिकित्सा ये प्रारंभ होगी। हरिद्वार के अंदर अंडरग्राउंड केबलिंग कुंभ से पहले अंडरग्राउंड केबलिंग की गई, यहाँ पर जो गैस सप्लाई ये पाइप्ड गैस सप्लाई ये हरिद्वार और देहरादून की तरफ, अब देहरादून में भी चालू होने वाली है, वहाँ भी पाइपलाइन दी चुकी है और लगभग 1200 करोड़ रुपया यहाँ पर सीवरेज लाइन पर खर्च किया गया। तो तमाम जो डेवलपमेंट के काम हरिद्वार जिले में किए गए हैं उनका मैंने संक्षिप्त में आपके सामने कहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में तो हमारा विजन क्या होगा, तो पार्टी ने संकल्प पत्र के लिए लोगों से राय लिए, आम लोगों से राय लिए, मजदूर हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, कर्मचारी हैं, पूर्व कर्मचारी हैं, सबके बीच में जाकर के और हमने संकल्प पत्र के लिए सबसे सुझाव दिए हैं। उन संकल्प पत्रों की उनको शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है और उसके आधार पर हम आगे का अपना विजन हमारा क्या होगा विकास का, वो हम आप साथ के बीच में बहुत जल्दी